दोस्तों अगर आपका भी बाइक का चलान जो है 2000 या फिर उससे ऊपर की अमाउंट का हो तो आप उसे जो है 50% डिस्काउंट में जो है किस तरह से जो है इसको चलान को भर सकते हैं और क्या इसका प्रोसेस रहता है आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। ठीक है, पहले होता क्या था कि आपका चलान काट दिया जाता था, जितना चलान होता था आपका उतना ही जो है भरा जाता था। जैसे कि 1000 का चलान या 1500 रुपए का चलान है तो आपको जो है उतना ही फीस जो है पे करना होती थी। अब क्या होता है, चलान जो है सरकार के द्वारा जो है आपको कोर्ट भेज दिया जाता है, जिससे कोर्ट के चक्कर लगाने से आम जनता जो है डरती है। तो इसीलिए आज मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है कि घर बैठे किस तरह से जो है चलान भरें, वो भी 50% डिस्काउंट से। अगर आपका चलान कोर्ट जाता है तो इसमें डरने की बात नहीं है और आपके लिए अच्छा होने वाला है, क्योंकि जब कोर्ट जाएगा तभी आपको जो डिस्काउंट मिलेगा और आपको कोई वकील हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ना ही कचहरियों के चक्कर काटने की जरूरत पड़ेगी। आज मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि घर बैठे किस तरह से जो है इसका चलान भरा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, और अगर वीडियो में नए हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करें, इस तरह के जो है वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, यहाँ पर देख सकते हैं आप ऊपर की ओर, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ई चलान का, ठीक है, देख सकते हैं। हमें इस ई चलान पर जो है क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आपको नज़र आएगा। यहाँ पर आपसे यूज़र आईडी और पासवर्ड मांग रहा है, जो कि आपके पास नहीं होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सिंपली देख सकते हैं ऊपर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है पे ऑनलाइन का, ठीक है, देख सकते हैं ये पे ऑनलाइन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। सिंपली आपको जो है इस पर क्लिक कर देना है तो कुछ इस तरह से देख सकते हैं इसका इंटरफेस खुलकर आ जाएगा आपके पास। यहाँ आप देख सकते हैं चलान नंबर से भी निकाल सकते हैं, व्हीकल नंबर से भी निकाल सकते हैं और DL नंबर से भी निकाल सकते हैं। आप इजीली करना क्या है, आपको व्हीकल नंबर से जो है आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर अपना गाड़ी का नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पर चेसिस नंबर डाल सकते हैं या फिर इंजन नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जो है कैप्चा कोड डाल देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको जो है यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है गेट डिटेल्स का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देख सकते हैं नीचे आपका ये चलान खुलकर आ जाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, नीचे जितने भी आपके चलान थे वो यहाँ पर खुलकर आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि आपका किस डेट में कटा है और कितने रुपए का आपका ये चलान काटा गया है और किस डेट का आपका चलान ये कटा हुआ है, सब कुछ इसमें आपकी सारी डिटेल इसमें आपको ये दिखा देगा। आपको करना क्या है, देख सकते हैं ये प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे प्रिंट वाले ऑप्शन पे तो यहाँ पर जो है प्रिंट में सारी डिटेल ये आपकी दिखा देगा कि कब आपका किस रूल को जो है आपने ब्रेक करा है और किस वजह से आपका ये चलान कटा है और किस जगह पर आपका चलान कटा है, ठीक है। ये आपका ऑनलाइन देख सकते हैं चलान कटा हुआ है, आपका जो CCTV कैमरे होते हैं उससे चलान कटा हुआ है, कोई पुलिस वालों ने रोक कर नहीं काटा, तो ये है देख सकते हैं आप। यहाँ सर आपको करना क्या है, पे नाउ के ऑप्शन पे जो है क्लिक कर देना है स्टेटस के, ठीक है। इस पर जब स्टेटस पर आप क्लिक करेंगे आपको इसको जमा करने के लिए, जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे एक पेज खुलकर आएगा आपके पास, देख सकते हैं यहाँ पर आपका चलान जो खुलकर आ चुका है। अब यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है, देख सकते हैं ये आपका चलान जो है कोर्ट पहुंच चुका है, क्योंकि आपने जो है 1-2 महीने डिले कर दिया होगा। अगर आप शुरू में आप भरते थे तो यहाँ से डायरेक्ट भर दिया जाता है। अब यहाँ से जो है अगर आपका डिले हुआ है तो इसमें कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपका जो है बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इसमें जो है आपकी आधी सी कीमत में जो है कम से जो है जैसे आपका 2000 का चलान है तो आपका जो है ये 1000 रुपये में जमा हो जाएगा। अब कोर्ट का चलान भरने के लिए आपको देख सकते हैं इस वेबसाइट पर चले जाना है, ये वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी, देख सकते हैं ये वेबसाइट का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये ऊपर देख सकते हैं आप वेबसाइट आ रही है, यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है आपको कोई भी वकील को या फिर कोई भी जो है आपको हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर जो है आप पूरा प्रोसेस ऑनलाइन कर सकते हैं घर बैठे, ठीक है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ मैं किस तरह से करना है। देख सकते हैं नीचे एक आपको ऑप्शन ये देखने को मिल रहा होगा स्टेट का, ठीक है, ये देख सकते हैं एक स्टेट का आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आपको यहाँ पर जो है जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो यहाँ पर मुझे मैंने जो है उत्तर प्रदेश का ये सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो भी स्टेट हो यहाँ पर आप सिलेक्ट करने के बाद जो है आगे बढ़ सकते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश है तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट करने के बाद जो है इसको प्रोसेस नाउ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही प्रोसेस नाउ पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे, मोबाइल नंबर से भी आप खोल सकते हैं यहाँ पर और CNR नंबर से भी खोल सकते हैं और आप अपने नाम से भी ढूंढ सकते हैं या फिर चलान या व्हीकल नंबर से भी आप इसको यहाँ पर जो है ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और आपके पास मोबाइल का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, तो आपका जो मोबाइल नंबर गाड़ी से रजिस्टर्ड हो आप उससे भी डायरेक्ट यहाँ से जो है निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमें व्हीकल वाले पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे चलान नंबर या फिर व्हीकल नंबर से जो है सर्च कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डाल देने के बाद सबमिट कर देना है।
सबमिट जैसे ही करेंगे देख सकते हैं यहाँ पर आपका चलान खुलकर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका चलान खुलकर आएगा, जैसे आपका चलान वहाँ पर खुलकर आ रही था ट्रैफिक पुलिस वाला, वैसे ही आपका यहाँ पर कोर्ट में खुलकर आ जाएगा। आपने एक बात नोटिस करी, देख सकते हैं वहाँ पर जो है चलान आपका 2000 का था, अब यहाँ पर जो है आपको 50% डिस्काउंट मिल चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं चलान नंबर एक ही था और आपका जो है 1000 का जो है माफ़ कर दिया गया। अब आपको 1000 रुपये इसमें जमा करना है। देख सकते हैं चलान नंबर भी आप मिला सकते हैं बैक वीडियो में जाकर, कोई इसमें मैं आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहा। ठीक है, इसमें देख सकते हैं आप टोटली आपको 1000 रुपये जमा करना है। इसमें आगे जो है आपको व्यूज़ वाले लॉग पर जो है क्लिक कर देना है। देख सकते हैं आपको एक व्यू का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा साइड में, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है चलान की डिटेल आपकी सारी निकल कर आ जाएगी, किस डेट को आपका कटा था, किस डेट को आपको भरना है। और अगर आपने इस पीरियड में बीच में अपना चलान नहीं भरा तो आपके पास फिर से ही ट्रैफिक पुलिस के पास चला जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं ये वही चलान यहाँ पर शो होने लगा है। ठीक है, यहाँ आपको देख सकते हैं नीचे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको इससे पूछा रहा है कि आप 1000 में चलान बनना चाहते हैं या फिर कोई वकील हायर करना चाहते हैं या केस लड़ना चाहते हैं। ठीक है, ये जो है सारे आपको ऑप्शन दे देता है। तो आपको जो है फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देना है, फर्स्ट वाले क्लिक करने नीचे आ जाना है। नीचे आपसे देख सकते हैं यहाँ पर एक आपके पास ऑप्शन आएगा जो कि आपका मोबाइल नंबर पहले से इसमें फीड हुआ होगा, जो भी आपका गाड़ी से लिंक होगा मोबाइल नंबर, तो आपके पास OTP वहाँ पर जाएगा। ठीक है, आपको जो है OTP सेंड कर देना है। अगर मोबाइल नंबर आपके पास नहीं हो इस केस में, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर खो चुका है, काफ़ी पुरानी गाड़ी होती है लोगों की, तो इसमें देख सकते हैं ऊपर एक ऑप्शन भी आपको देखने को मिल रहा है, माई नंबर और मोबाइल नंबर इनकरेक्ट। ठीक है, उस पर क्लिक करने के बाद आपको जो है गाड़ी का नंबर वगैरह डाल देना है और चेसिस नंबर डालने के बाद आपको खोल लेना है। अभी मेरे केस में जो है देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी ऐसा सीन नहीं है, मोबाइल नंबर सेम है, तो इस पर जो है मैं रिसेंट OTP करने के बाद यहाँ पर OTP डाल देता हूँ और वेरीफाई कर देता हूँ। ठीक है, वेरीफाई OTP करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपको नीचे की ओर 2 चेकबॉक्स देखने को मिल जाएंगे, इस पर आपको क्लिक करने के बाद एक्सेप्ट एंड पेपर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही एक्सेप्ट एंड पेपर क्लिक करेंगे ये आपको दूसरे पेज पर ले जाएगा। देख सकते हैं ये पेमेंट जहाँ पर आपकी कंप्लीट होती है वहाँ पर आपको ले जाएगा। यहाँ आपको देख सकते हैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर पॉपअप आएगा कि इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपका पेज खुलकर आ जाएगा पेमेंट का। यहाँ पर आपको बहुत सारे मोड देखने को मिल जाएंगे, जो भी पेमेंट मेथड आपको अच्छा लगे उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको देख सकते हैं UPI का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है ऊपर लास्ट में आपको देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपसे जो है आपकी जो है डेबिट कार्ड की डिटेल मांग रहा है, जो भी आपकी डेबिट कार्ड की डिटेल्स रहती है, आपके जो भी डेबिट कार्ड के नंबर रहते हैं वो यहाँ पर डाल देना है, और यहाँ पर आपको जो है उसकी डेट डाल देना है कब एक्सपायर है, और आपको जो है एक CVV रहता है जो कार्ड के पीछे होता है 3 अंकों का, वो भी आपको यहाँ पर डाल के सबमिट कर देना है। देख सकते हैं आपके पास एक OTP आएगा, OTP को जैसे ही आप फिल करेंगे तो आपके पास ये एक पेज खुल कर आ जाएगा। इस पेज से आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है, ये खुद से रीडायरेक्ट आपका बैंक ले जाएगा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर उसकी, जहाँ पर ये पेमेंट आपने करा है। ठीक है, इससे आपको बोलना नहीं है। देख सकते हैं ये आपके पास अब प्रिंट आपका खुल कर आ गया, अब आपकी पेमेंट जो है 1000 रुपये की सक्सेसफुल हो चुकी है। ठीक है, अब इससे जो प्रिंट है आप इसे प्रिंट भी निकाल सकते हैं और या फिर इसको आप सेव करने के बाद रख भी सकते हैं, आपका जो चलान है जमा हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका चलान ये कोर्ट का जो है जमा किया जाता है और आपको जो 50% का डिस्काउंट मिल जाता है। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।